अंधा हो गया तू, देख नहीं सकता मेरा कितना नुकसान हो गया। क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? अरे भाई मैं जा रहा था, इसने आगे टांग अड़ाई जिसकी वजह से मेरा मोबाइल टूट गया, मेरा काफी नुकसान हो गया, मेरा नुकसान पूरा करे ये। यार मैंने टांग नहीं अड़ाई। तूने अड़ाई टांग, मैं देख रहा था। अच्छा अच्छा रुको, मैं आप दोनों को सरदार के पास लेकर जाता हूँ। हाँ चलो, अपना पैसे उठा लूँ। उठा लो उठा लो, सारा मेरा नुकसान हो गया। ओह नो, टांग अड़ा के कैसे अनजान बन रहा था। चल तू सरदार, इन दो बंदों का फैसला कराएं। हाँ सरदार, मुझे इंसाफ चाहिए। क्या हुआ सरदार? दरअसल हुआ यूं, मैं जा रहा था, आगे इस बंदे ने मुझे टांग अड़ाई, मैं गिर गया, जिसकी वजह से मेरा मोबाइल टूट गया, मेरा नुकसान हो गया। मुझे ये बंदा मेरा नुकसान पूरा करके दे। बेटे क्या तूने टांग अड़ाई? सरदार मैंने जानबूझ के टांग नहीं अड़ाई, मैं तो बस ऐसे कर रहा था, पता नहीं ये कैसे गिर गया। अबे ऐसे कैसे कर रहा था, तूने जानबूझ के टांग अड़ाई, मैं गिर गया। मैंने जानबूझ के नहीं अड़ाई। सरदार मुझे इंसाफ चाहिए, मैं आपके पास आया हूँ, मुझे मेरा नुकसान पूरा करवा के दे। तो जरा इधर को आ जा। जी सरदार। हाँ तो बेटे क्या मसला है? सरदार मुझे इंसाफ चाहिए। सुन बेटे, मैं फैसला तो कर दूंगा, लेकिन फैसले ऐसे नहीं होते। तो फिर क्या करना पड़ेगा? कुछ देना पड़ेगा। देता हूँ सरदार। ठीक है बेटे, फैसला तो मैं कर दूंगा तेरे हक में, लेकिन मुझे भूलने की बीमारी है, मुझे याद दिलाते रहना। अच्छा मैं आपको याद दिलाता रहूंगा, मैं ऐसे 5 उंगलियों का इशारा करूंगा, आपने समझ जाना है कि इसने 5,000 दिया है। ओके सरदार। ठीक है बेटा। तेरा तो आज काम करके जाऊंगा मैं। बेटे तू जरा इधर को आ जा। तो बेटे आखिर सच्चाई क्या है? मैंने उसकी बात भी सुन ली, अब तू भी अपनी बता। सरदार मैंने जानबूझ के टांग नहीं अड़ाई। सच सच बता बेटे, अगर तू सच बताएगा तो मैं तेरे हक में फैसला करूंगा। वो पागल नहीं है जो इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है? तूने टांग जानबूझ के अड़ाई है। हाँ सरदार टांग अड़ाई है मैंने। सरदार मेहरबानी करके फैसला मेरे हक में करा। ऐसे कैसे तेरे हक में कर दूं? कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? कुछ ना कुछ। ये ले सरदार 10,000, फैसला मेरे हक में करना। अब बेटे तू बेफिक्र होके बैठ जा। हाँ सरदार। चल। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये सरदार इस नतीजा पर पहुंचा है, कसूर बेटा तेरा है। इसका कोई कसूर नहीं, तुम ही लोग हो जो सारा दिन गर्ल फ्रेंड से बात करते हो मोबाइल पे, इधर उधर तो देखते नहीं, सारा दिन मोबाइल में टीचू। सरदार मैं तो मोबाइल देख ही नहीं रहा था, मैं तो पैसे गिन रहा था सरदार, ये तो बस मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था। कसूर तेरा है, तू ज्यादा मोबाइल को देख रहा था। इस बंदे का कोई कसूर नहीं सरदार। अरे हाँ हाँ जानता हूँ, तू 5 जमातें पास है, यहाँ पर ऐसे भी लोग बैठे हैं जो 10 जमातें पढ़ चुके हैं। निकल जा यहाँ से। जा बे। सरदार तूने अच्छी नहीं की मेरे साथ। अरे चल चल चल।